कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। मैं हिंदू हूँ। हिंदुइज्म, सनातन धर्म, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, वेद, पुराण, ये सारे शब्द मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मुझसे कहा जाता है कि मेरी जिंदगी का लक्ष्य है धर्म का पालन करना। रोज़मर्रा की जिंदगी में पूजा पाठ और परंपराओं के बीच अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर क्या है मेरा धर्म, आखिर हिंदू होने का मतलब क्या होता है, सनातन धर्म और हिंदुइज्म में क्या फर्क है, क्या सिर्फ पूजा पाठ करना और परंपराओं का पालन करना ही मेरा धर्म है, या इस सब में कुछ गहरा अर्थ छिपा है। हिंदू धर्म या सनातन धर्म न जाने कितना पुराना है, कई सारे स्कॉलर्स ने इसे समझने में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। भ्रमण करते हुए पहुंच जाते हैं। चार वेद, 108 उपनिषद, 18 महापुराण, 2 महाकाव्य, 555 सूत्र, लाखों भगवान और अनगिनत कहानियाँ। सनातन धर्म पहले सबसे सनातन धर्म पहला हुआ, बाद में सब धर्म बाद में आए हुए। हर ग्रंथ, हर कथा, हर परंपरा में छुपा है इस संसार का एक अलग राज और इस जीवन की एक अलग सीख। कुछ लोग हिंदुइज्म को धर्म समझते हैं, कुछ जीवन जीने का एक तरीका, तो कुछ ज्ञान का माध्यम। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि। वेदांत, योग, सामख्य जैसे अलग अलग कई सारे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जिसमें उनके अपने विचार हैं, अपना ज्ञान है, अपनी कहानियां हैं, लेकिन सब हिंदुइज्म है, सब सनातन धर्म है। लेकिन ये सब एक साथ समझना बहुत मुश्किल है, तो एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। हम कितना अच्छा करेंगे, कितना बुरा करेंगे, सब यहीं पे ही होना है। ये बोले भगवान के ऊपर जाएंगे तब वहाँ कष्ट मिलेगा, यहाँ पे कष्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं, सब कष्ट यहीं पे भोगदंड करके जाना है। आई थिंक आजकल का यूथ बहुत इवॉल्व्ड है और हम लोग इतना नहीं सोचते हैं। वी जस्ट ऑल ऑफ अस किसी एक एंटिटी को, यू नो, किसी एक हायर पावर को मानते हैं, एंड दैट्स अबाउट इट, इतना सोचते नहीं है। वैसे सब में पाँच उंगली एक बराबर नहीं है, तो वैसे सब भगवान भी ऐसे ही है, एक ही बड़ा है ना। तो एक ही बड़ा है। मंदिर भी गया, मस्जिद भी गया, सब जगह तो दोनों जगह गणपति भी बिठाते हैं हम लोग साथ में। बिठाते हैं भगवान अल्लाह जो अपन इधर गुनाह कर रहे हैं ऊपर अभी लिखे जाएंगे सारे भगवान, मतलब सबके लिए सबके भगवान बड़े ही है ना, मतलब सब यही है, स्वर्ग और नर्क यही है। अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग चीज़ों के, हम भगवान को याद करते हैं पूजा से। दैट इज़ अ वे ऑफ शोइंग योर लव फॉर योर गॉड एंड दैट इज़ अ वे हाउ यू एक्सप्रेस इट। वेस्टर्न इतिहासकारों की माने तो हिंदुइज्म करीब 1500 साल पुराना है, लेकिन हमारे ग्रंथों और इतिहास में ऐसे कई सबूत हैं जो बताते हैं कि हिंदू धर्म 5000 साल या उससे भी ज्यादा पुराना। वाराणसी, जिसे आज हम बनारस शहर के नाम से जानते हैं, इस शहर का इतिहास 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। लोग कहते हैं बनारस शहर तो खुद पूरे इतिहास से भी पुराना है। और जब बात आती है शुरुआत की, तो सबसे पहले दिमाग में तीन नाम आते हैं जिन्हें आज हिंदुइज्म की नींव माना जाता है, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और हमारे शिव जी। हमारे पुराणों की माने तो इस दुनिया की रचना ब्रह्मा जी ने की। ब्रह्मा जी के हर एक दिन में पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होती है और दिन के अंत में ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। उनके अपने जीवन काल के हिसाब से इस पृथ्वी पर समय चलता है और इस पृथ्वी की ही तरह एक दिन ऐसा आएगा जब ब्रह्मा जी का भी अंत हो जाए। लेकिन इस संसार में एक नहीं बल्कि लाखों करोड़ों ब्रह्मा हैं जो अपनी अलग सृष्टि का निर्माण करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ये सारी सृष्टियां, सारे ब्रह्मा, सारे जीव जंतु सब भगवान विष्णु का हिस्सा है। समय और वास्तविकता से परे कमल के फूल पर विराजमान महाविष्णु इस पूरे संसार के असली रचयिता है। उनके बदन के हर एक छिद्र में से एक ब्रह्मा का वास होता है जो एक अलग सृष्टि की रचना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जब जब सांस लेते हैं इस संसार का जन्म होता है।
और उसी सांस के खत्म होने पर ये सब कुछ भगवान विष्णु में मिल जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सारा ज्ञान आया कहाँ से, हम इसके बारे में कैसे जानते हैं? जो धारण किया जा सके वही है धर्म। धर्म कोई संकुचित विचारधारा नहीं होनी चाहिए, धर्म कोई निश्चित सीमा रेखा में बंधी हुई व्याख्या नहीं होनी चाहिए, या फिर धर्म कोई कट्टर विचारधारा नहीं होनी चाहिए कि अगर आप इतना 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 पालन कर रहे हैं तो ही आप धार्मिक हैं, अगर आप इतनी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, अगर आप दूसरे किसी बिलीफ का, दूसरे किसी मान्यता का पालन कर रहे हैं तो आप धार्मिक नहीं हैं। सनातन धर्म, इस शब्द का सबसे पहला मेंशन हमें गीता में मिलता है। जब श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म का ज्ञान दे रहे थे तब उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या हिंदुइज्म और सनातन धर्म एक है या इसमें कुछ फर्क है? जितना हम समझ पाए हैं, हिंदुइज्म एक नाम है। इस नाम के पीछे का कारण एक नदी हुआ करती थी जिसका नाम था सिंधु। कैलाश पर्वत से होती हुई ये नदी पंजाब में 5 नदियों का संगम बनाती है और इसी सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों को सिंधु कहा जाता था। लेकिन जब ग्रीक्स और पर्शियंस ने भारत पर इन्वेड किया तो इस नदी को अपनी भाषा में सिंधु के बजाय हिंदू कहने लगे। ब्रिटिश राज आते आते यही नाम एक धर्म की तरह देखा जाने लगा। थोड़ा और आगे चलकर ये नदी बन गई इंडस और इसी इंडस नदी के नाम पर वो जगह बन गई इंडिया। तो अगर शॉर्ट में समझा जाए, हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं है बल्कि एक नदी के पास रहने वाले लोगों का नाम था। हमारा धर्म जिसके बारे में श्री कृष्ण महाभारत में बात करते हैं, वो असल में कहा जाता है सनातन धर्म। एक ऐसा धर्म जो समय से पहले भी था और समय के बाद भी रहेगा। सनातन का मतलब ही होता है इटर्नल, यानी जो कभी खत्म ना हो सके। क्योंकि दूसरे धर्मों की तरह सनातन धर्म का कोई एक फाउंडर नहीं है, कोई एक बुक नहीं है जिसमें इस धर्म का सारा ज्ञान लिखा हो, सारे रूल्स लिखे हो। तो साधारण शब्दों में ये कहा जा सकता है कि सनातन धर्म एक फिलॉसफी है, जीवन जीने का तरीका है, और इस सब का प्रूफ हमें मिलता है इसके इतिहास में। सनातन धर्म की हिस्ट्री को अगर ट्रेस किया जाए तो सबसे पहले बात आती है वेदों की। हमारे वेद ही हमारे इतिहास के सबसे पुराने टेक्स्ट है और हमारे धर्म की नींव भी। ऐसा माना जाता है कि वेद अपौरुषीय हैं, यानी इन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया। ये ज्ञान कुछ महायानी ऋषियों को प्राप्त हुआ जो उनके शिष्यों द्वारा ट्रांसफर होता गया, पर ये सब वर्बली होता था। कई सदियों तक ये सारा ज्ञान लिखा ही नहीं था और आखिरकार ऋषि वेद व्यास ने इन्हें इकट्ठा कर एक स्ट्रक्चर दिया और 4 वेदों में इन्हें बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये बातें सुनने में शायद इतनी बड़ी ना लगे, लेकिन हमारे वेद दुनिया के सबसे पुराने टेक्स्ट में से हैं, करीब 4000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इन ग्रंथों में जो ज्ञान छुपा है उसे आज तक हम समझ नहीं पाए। कई बार ऐसा भी हुआ है जब साइंस कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी करता है तब पता चलता है कि हमारे वेदों में ये ज्ञान पहले से ही था, जैसे पृथ्वी का गोल होना, अलग अलग प्लैनेट्स, पृथ्वी से सूरज का डिस्टेंस, कॉन्सेप्ट्स जैसे मल्टीवर्स और क्वांटम मैकेनिक्स, एटम बॉम्ब बनाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एटम को ढूंढने वाले नील्स बोर, क्वांटम मैकेनिक्स के एक फाउंडर एर्विन श्रोडिंगर, ऐसे कई सारे फेमस साइंटिस्ट ने हमारे ग्रंथों को अपनी इंस्पिरेशन बताया है। करीब 20,000 श्लोकों को मिलाकर बनते हैं ये चारों वेद, लेकिन इनमें से अकेले सिर्फ ऋग्वेद में ही 10,000 से ज्यादा श्लोक पाए जाते हैं, जिसमें ग्रामर से लेके फिलॉसफी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स, इन सब चीजों का ज्ञान छुपा है। हमारे वेदों में इतने हाई लेवल का ज्ञान छुपा है कि हम आज तक उसके आगे नहीं जा पाए। लेकिन वेदों में एक चीज काफी अलग है जो आज हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, हमारे भगवान। भगवान एक ऐसा शब्द जो सुनने में एक है, सिंगुलर है। दुनिया भर के कई धर्मों में भी एक ही भगवान होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भगवान शिव भी हैं, भगवान विष्णु भी हैं, माँ पार्वती हैं और देवराज इंद्र भी।
तो ये सब क्या है? पहले तो हमसे कहा गया कि सब कुछ विष्णु है, तो क्या विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ भगवान है? क्या भगवानों में कोई श्रेष्ठ हो सकता है? हाँ भी और नहीं भी। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सनातन धर्म में भगवानों का कॉन्सेप्ट समय के साथ बदलता रहता है। जो हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप है, हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं एज रिलीजियस पीपल, वो सब कुछ वैदिक नहीं है, क्योंकि वेदों में न तो मूर्ति पूजा है न मंदिर का कोई विधान है। जो वैदिक देवता हैं वो सब बस अदृश्य प्राकृतिक शक्तियां हैं। तो जो पहले ऋषि थे वो वास्तव में प्रकृति पूजक थे। ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिमूर्ति, जिन्हें सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वेदों में इन्हें इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। और तो और, वेदों में आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजन की परंपरा ही नहीं है। सनातन धर्म में मंदिरों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पहले लोग नेचर वर्शिपर्स हुआ करते थे, प्रकृति और उसके तत्वों की पूजा करते थे। हमारे वेदों में अलग अलग भगवान थे, अग्नि, वरुण, इंद्र और मारुत जैसे कई प्राकृतिक तत्वों को देवी देवताओं की तरह पूजा जाता था। आज भी हम इन देवी देवताओं के बारे में जानते हैं और उन्हें पूजते भी हैं। लेकिन आज हमारी पूजा का तरीका काफी अलग है। आज हमें हर जगह मंदिर दिखाई देते हैं, हम भगवानों की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते हैं। वैसे तो हजारों या शायद लाखों भगवान हैं सनातन धर्म में। हर भगवान के अनेकों रूप, अनेकों अवतार, जिन्हें अलग अलग तरीके से पूजा जाता है। और इस सब के पीछे का कारण समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये भगवान हैं कौन से। अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो भगवानों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आते हैं मेन ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि के रचयिता, पालनहार और विनाशक। इन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है और इनके संगम से ही सृष्टि में संतुलन बना रहता है। और जब भी ये संतुलन बिगड़ता है, विष्णु जी और भगवान शिव अलग अलग रूपों में अवतार लेकर धरती पर आते हैं। वो अधर्म का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, और इसी तरह वो बैलेंस को बनाए रखते हैं। Energy is the wheels, you know, that makes things move. So energy is Shakti, you know, Shakti and the masculine form, they together combine to create this whole realm or this whole universe. Trimurti sansar mein balance banate hain, lekin ye karya adhura hai jab tak srishti mein rachna nahi hoti, prakriti ki shuruaat nahi hoti. Isiliye in teeno bhagwanon ke saath hame teen deviyan bhi dikhti hain. माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती, महादेव की अर्धांगिनी माँ पार्वती, जिन्हें शक्ति के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति का रूप है शक्ति, द एसेंस ऑफ नेचर एंड लाइफ इज फेमिनिन, और यही प्रकृति जरूरत पड़ने पर काली या दुर्गा जैसा विनाशक रूप भी ले सकती है। इसी के साथ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती धन और ज्ञान से इस सृष्टि में वृद्धि लाते हैं। मानव जाति के कल्याण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके बिना सृष्टि कभी आगे भी नहीं बढ़ पाती। इस सब के अलावा हमारा तीसरा ग्रुप है देवलोक के देवताओं का। जो नेचर वर्शिप की प्रथा हमारे वेदों में बताई गई थी वो आज भी चली आ रही है। वही हमारे पुराणों में ये देवता देवलोक नाम की एक नगरी में रहते हैं। इन सब के अलावा भी कई अलग अलग तरह के भगवान हैं जिनकी पूजा की जाती है। जैसे हमारे प्यारे गणपति, विष्णु जी के दशावतार, हनुमान जी, माँ पार्वती के नौ अवतार, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय। भारत के अलग अलग रीजन्स में इन सब के अलग अलग नाम हैं और अलग अलग रूप हैं। अनजल, पृथ्वी, वायु, सूर्य, चंद्रमा जैसे प्रकृति के कई सारे तत्वों की पूजा करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? क्यों इतने सारे अलग अलग भगवान हैं? क्या इन सब में कोई कम या ज्यादा श्रेष्ठ है? डिपेंड करता है। So, सनातन धर्म यही मानता है कि हमारे पास जो सूर्य है, जो चंद्र है, जो वायु है, जो अग्निदेव है,
जो बारिश यानी कि जल है, वही हमारे देवता है। धर्मों के अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ धर्म मोनोथियस्टिक होते हैं, यानी जो मानते हैं कि भगवान एक ही हैं। कुछ धर्म पॉलीथियस्टिक होते हैं, जो मानते हैं कि कई सारे भगवान होते हैं। लेकिन सनातन धर्म पॉलीमॉर्फिज्म में मानता है, जिसका मतलब है कि एक भगवान है जो सबसे ऊपर सबसे श्रेष्ठ है और सारे भगवान उनकी छवि है, जो मानव जाति की अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग रूपों में आते हैं। इसीलिए कई लोग भगवानों को इष्ट देव भी कहते हैं और जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर ये इष्ट देव बदल भी सकते हैं। जो सबसे दिल के करीब होता है वो है इष्ट देवता, जिसको मैं पसंद करता हूँ। लेकिन इष्ट देवता इज वेरी पर्सनल, और एक ही घर में अगर चार व्यक्ति हो या दस व्यक्ति हो, एवरीबडी कैन हैव देयर ओन इंडिविजुअल इष्ट देवता। सो अगर मेरी माँ का इष्ट देवता कृष्ण था और मेरी बीवी का इष्ट देवता विट्ठल है, तो मेरा इष्ट देवता शिवजी हो सकता है, एंड इट इज एक्सेप्टेड। अब इष्ट देवता इज अ पर्सनल चॉइस, कोई बोल नहीं सकता कि इसी को मानो, और सच कहते हैं कि वो दिल की बात होती है, तो किसी को क्या पसंद आ जाए वो तो अपने ऊपर चॉइस है। इसे एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे हम डर भगाने के लिए हनुमान जी को याद करते हैं, विघ्न दूर करने के लिए गणपति को, और धर्म का पालन करते समय भगवान राम को याद करते हैं। इन सारे भगवानों से कई अलग अलग संप्रदाय बनते हैं, जिनमें से चार मेजर है। वैष्णव, जो भगवान विष्णु को परब्रह्म या सुप्रीम मानते हैं। शैव, जो भगवान शिव को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। शाक्त, जो माता शक्ति यानी पार्वती जी को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। और स्मार्थ, स्मार्थ संप्रदाय के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो सभी भगवानों को एक समान मानते हैं, सबकी एक समान पूजा करते हैं। लेकिन इन सारे संप्रदाय, सारे भगवान और सारी परंपराओं को जोड़ती है एक चीज, सनातन धर्म की फिलॉसफी। सनातन धर्म और फिलॉसफी का एक अटूट नाता रहा है। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि सनातन धर्म की नींव ही उसकी फिलॉसफी, उसका ज्ञान है। ये फिलॉसफी इतनी ज्यादा डिटेल्ड है, इतने अलग अलग सब्जेक्ट्स पर गहराई से बात की गई है कि आज तक कुछ भी उसे सरपास नहीं कर पाया। लेकिन इस सब को ना एक साथ समझना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा करते हैं एक एक करके समझते हैं। ब्रह्मन, आत्मन, धर्म, कर्म, समय चक्र और मोक्ष, ये है सनातन धर्म के कोर बिलीफ्स। ब्रह्मन यानी वो जो सब कुछ है, इस संसार की एनर्जी का सोर्स जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। आत्मा या आत्मन यानी वो जो हमारे शरीर और इस मटेरियल दुनिया से परे है। आत्मा अमर है, इसी के कारण ही हम एक दूसरे से अलग होते हैं। सोल इज व्हाट मेक्स अस अस। ब्रह्मन और आत्मन इस संसार के डुअल नेचर को समझाते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में मिले हुए भी हैं, लेकिन अलग भी। इसे ऐसा समझा जा सकता है कि ब्रह्मन एक विशाल सागर है, जिसमें से एक एक बूंद है आत्मन। ये सारी बूंदें अपने आप में अलग हैं, लेकिन उस विशाल सागर का ही हिस्सा है। इसी को कहा जाता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। इसके अलावा है धर्म यानी ड्यूटी। हर इंसान, हर जीव का एक धर्म होता है, एक ड्यूटी होती है। धर्म कुछ लोगों के लिए एक सेट ऑफ रूल्स भी हो सकते हैं, जैसे धर्म का पालन करना मतलब हमेशा सही काम करना, दान करना, व्रत रखना। एक इंसान जब कोई कार्य करता है, वो कार्य अच्छे उद्देश्य के साथ किया जाए, अच्छे हेतु के साथ किया जाए, तो वो अपने आप धार्मिक कार्य बन जाता है। अच्छे उद्देश्य के साथ किया गया कर्म जो है वही आपका धर्म बन जाता है, और एक अच्छे उद्देश्य के साथ किया गया धार्मिक कार्य है वही आपका कर्म बन जाता है। और इसी धर्म का पालन करते हुए वो जो भी कार्य करता है वो उसके कर्म कहलाते हैं, अच्छे बुरे सब। और इन सभी कर्मों का फल उसकी आत्मा को इस जीवन में या अगले जीवन में चुकाना पड़ता है। कर्मों के आधार पर ही एक इंसान जीवन के अल्टीमेट गोल को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष। हर
हर हिंदू के जीवन के चार उद्देश्य होते हैं, धर्म यानी अपने सामाजिक और पर्सनल ड्यूटीज को सिंसियरली निभाना, अर्थ यानी अपने और अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन कमाना, और समय समय पर उसका इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करना, काम यानी अपने पांचों सेंसेस के जरिए संसार से सुख प्राप्त करना। और मोक्ष यानी अपने आप को जीवन चक्र से मुक्त करवाना। ये चारों उद्देश्य आपस में अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। धर्म का पालन करके धन कमाकर एक प्रेम और सुख भरा जीवन जीने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यूजली इन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आते हैं आस्तिक। आज हम मानते हैं कि आस्तिक वो है जो भगवान में मानते हैं, लेकिन आस्तिक वो होते हैं जो वेद में मानते हैं, जैसे कि सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत और योग। एक्चुअली योग भी एक पूरी फिलॉसफी है, सिर्फ एक्सरसाइजेस नहीं। इन सब के अलावा जो दूसरा ग्रुप है वो है नास्तिक, जो वेदों में नहीं मानता। इस ग्रुप में आते हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, चार्वाक और आजीविक। ये सारे स्कूल्स ऑफ थॉट, पर्टिकुलरली बुद्धिज्म और जैनिज्म, अपने आप में एक अलग रिलीजन भी है। हालांकि ये डिबेट का मामला है कि इन्हें सनातन धर्म के अंदर कंसिडर भी किया जाए या नहीं। सनातन धर्म में माना जाता है कि समय और जीवन दोनों ही एक साथ चक्र में चलते रहते हैं। हमने अभी ये समझा कि आत्मा अमर है, तो अगर शरीर की मृत्यु भी हो जाए तो इस आत्मा को दूसरा जीवन जरूर मिलेगा। इसी को जीवन मरण का चक्र कहते हैं। एक आत्मा बार बार अलग अलग शरीर में जन्म लेती है और इसी चक्र से आजाद होने के लिए मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है। सनातन धर्म में समय को बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है, और ऐसे ही 71 महायुग मिलकर बनाते हैं एक मनवंतर जो लगभग 30 करोड़ सालों का होता है। एक मनवंतर के खत्म होने पर उस सृष्टि के सारे जीव खत्म हो जाते हैं और एक नई शुरुआत होती है जिसे संधि काल कहा जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि करीब 25 करोड़ साल पहले ही पृथ्वी पर एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ था, जिसमें डायनासोर्स के साथ पृथ्वी के करीब 95% जीव जंतु खत्म हो गए थे। 14 मनवंतर और 15 संधि काल मिलाकर बनता है एक कल्प, जो ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर है। और जिस तरह 30 दिन मिलाकर एक महीना बनता है, उसी तरह 30 कल्प मिलाकर एक महाकल्प बनता है, और ऐसे ही 12 महाकल्पों को मिलाकर ब्रह्मा जी का एक साल बनता है। हमने शुरू में बात की थी कि कैसे पृथ्वी का समय और ब्रह्मा जी का समय आपस में जुड़ा हुआ होता है। माना जाता है कि ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल की होती है, जिसके बाद वो ब्रह्मा और उनकी रचना दोनों नष्ट हो जाते हैं और एक नई सृष्टि की रचना होती है। ब्रह्मा जी के हर साल में 360 दिन होते हैं, और आज हम उनके 91 साल के पहले दिन में जी रहे हैं। आज जो कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी में इतना स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी शुरुआत हुई थी सनातन धर्म के चार वर्णों से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लोगों के काम के बेसिस पर उन्हें डिवाइड किया जाता था। इसमें कोई ऊंचे नीचे की बात थी ही नहीं, और ऐसा भी कोई फिक्स रूल नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा या शूद्र का बेटा शूद्र। हर व्यक्ति के टैलेंट और एक्सपर्टीज के हिसाब से उसका वर्ण डिसाइड होता था। कोई क्षत्रिय ज्ञान के माध्यम से ब्राह्मण बन सकता था, तो कोई शूद्र या वैश्य शस्त्र और युद्ध नीति सीखकर क्षत्रिय बन सकता था। दरअसल ये जातिवाद की प्रॉब्लम शुरू हुई एक ग्रंथ से, मनुस्मृति, जिसमें कहा गया कि चारों वर्ण कर्म के बेसिस पर नहीं बल्कि जन्म के बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं। हमने अब तक देखा कि हमारे धर्म में किसी भी चीज पर कोई भी बंदिश नहीं लगाई गई,
चाहे वो अपने भगवान ही चुनना क्यों ना हो, तो एक ग्रंथ ऐसी बंदिशें कैसे लगा सकता है? सनातन धर्म की फिलॉसफी हमेशा चीजों को समझने और परखने में विश्वास रखती है, चाहे वो धर्म ही क्यों ना हो। इस चीज को हम साफ देखते हैं हमारे ग्रंथों में। सनातन धर्म में कई अलग अलग टाइप के ग्रंथ हैं, जो एक इंसान के जीवन जीने से लेकर ईश्वर को प्राप्त करने तक सारा ज्ञान देते हैं। सबसे पहले आए वेद, जिनके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। उसके बाद उपनिषद, जो कि वेदों पर आधारित थे। उन्हें वेदों का एक्सप्लेनेशन ही कह लीजिए, या ऋषियों की उन वेदों पर फिलॉसफी। काफी समय बाद आए हमारे पुराण, जिनमें कहानियों के जरिए ज्ञान दिया गया है। आज हम जितने भगवानों को और उनकी पूजा करने के तरीकों के बारे में जानते हैं, वो सब ज्यादातर पुराणों से ही प्रचलित हुए। पुराणों के बाद आए दो ग्रंथ जिन्हें इतिहास का दर्जा दिया गया, रामायण और महाभारत। सनातन धर्म के सारे ग्रंथों को कहानियां या फिलॉसफी समझा जाता है, लेकिन सिर्फ रामायण और महाभारत ही हैं जिन्हें इतिहास कहा जाता है। इनके अलावा भी कुछ ग्रंथ हैं जिन्हें स्मृति कहा जाता है। कई सारे ऋषियों की स्मृतियां हैं। स्मृति यानी धर्म को लेकर ऋषियों के अपने विचार, उनकी अपनी परंपराएं और अपने रूल्स, इसीलिए इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इन्हीं में से एक की बात हमने कुछ देर पहले की, मनुस्मृति। जब बात आती है भारत के कुछ ऐसे ग्रंथों की जो आज के समय में काफी कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, तो उनमें से सबसे मशहूर नाम आता है कामा सूत्र का। एक्चुअली ये भी कह सकते हैं कि कामा सूत्र सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड ग्रंथ है। कामा सूत्र प्लेजर के बारे में बात करती है, जो आप अलग अलग तरीकों से डिराइव कर सकते हो, एंड सेक्स वॉज जस्ट वन ऑफ देम। इस ग्रंथ में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो एक इंसान को जीवन जीना सिखाती है। एक आदमी और औरत अपनी ग्रूमिंग कैसे करे, खुद को अट्रैक्टिव कैसे बनाए, अपना घर कैसे रखे, रोमांस, कंसेंट, लस्ट, इस सब के बारे में सिखाती है कामा सूत्र। आज की सोसाइटी में हम सेक्स को जितना टैबू सब्जेक्ट मानते हैं ना, कामा सूत्र हमें ये सिखाता है कि ये जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन कामा सूत्र अकेला सूत्र नहीं है, ऐसे कुल 555 सूत्र हैं सनातन धर्म में, और इन्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स की टेक्स्ट बुक की तरह देखा जा सकता है। सनातन धर्म का हजारों सालों का इतिहास आसान नहीं रहा। वक्त के साथ कई बार चुनौतियां आई, जब इस धर्म को चैलेंज किया गया, इसे मिटाने की कोशिश की गई। आज हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में बहुत रिच सनातन कल्चर बरकरार है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में काफी कम पुराने मंदिर हैं। और इसका कारण ये है कि सबसे ज्यादा अटैक्स दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में हुए, इसलिए सबसे ज्यादा तबाही वहीं हुई। हमारे कई सारे पुराने मंदिरों को तबाह कर दिया गया। नालंदा और विक्रमशिला जैसे दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज को तबाह कर दिया गया। 90 लाख से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिसमें हमारा कल्चर, हमारी सीख, हमारी फिलॉसफी थी, सब कुछ उस आग में जलकर नष्ट हो गया। औरंगजेब जैसे निर्दयी मुगल एम्परर्स ने जिजिया टैक्स जारी किया, जिस वजह से हिंदुओं को कई गुना ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो हिंदू थे। चाहे मुगल शासकों की तरफ से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाए या ब्रिटिशर्स से, सनातन धर्म ने गर्व से अपनी आइडेंटिटी को स्वीकारा, अपने बिलीफ और अपनी फिलॉसफी पर अटल रहे। इस वीडियो के जरिए मैं खुद अपने धर्म के बारे में जानने के सफर पर निकली थी। अनगिनत लोगों से बात करने, कई किताबें और ग्रंथ पढ़ने और काफी सोच विचार करने के बाद मैं अपने धर्म को शायद थोड़ा बहुत समझ पाई हूँ। ये समझ पाई हूँ कि ये कितना खूबसूरत है। सनातन धर्म ज्ञान का धर्म है। हम किसी चीज को आंख बंद करके मान नहीं लेते, हम सवाल उठाते हैं, चाहे वो भगवानों से ही क्यों ना हो। हमने हमारे वेदों पर सवाल उठाए तो हमें उपनिषद मिले। गरुण पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सारे पुराण और कुछ नहीं बल्कि एक शिष्य अपने गुरु से संवाद कर रहा है, जिसमें शिष्य सवाल उठाता है और गुरु उसके जवाब देते हैं। हमने हर चीज, हर ख्याल को देखा, परखा और उसे समझने की कोशिश की, चाहे वो हमारे संसार के रिवाज हो या हमारे जीवन के राज। सनातन धर्म की सबसे खूबसूरत बात ये रही है कि वक्त के साथ इसने अपने आप को बदला और अपने ज्ञान को और बढ़ाया। हमने अपने आप को ये आज़ादी दी कि हम गलतियाँ कर सकें और उनसे सीख सकें, और यही कारण है कि हमारा धर्म सनातन है, जो हमेशा से था
और हमेशा रहेगा। हमें हमेशा कमेंट्स में कहा जाता है कि हम आपके सवालों पर डिटेल्ड वीडियोस बनाएं। एंड दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप कि हम आपके लिए ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे तुरंत लाइक और शेयर कीजिए और हमारे कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए हमारा मेंबरशिप बटन ज्वाइन करिए और ऐसी ही अनदेखी अनसुनी अनकही कहानियों के लिए RAAAZ को सब्सक्राइब कीजिए।